हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, अपने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्रिंसिपली देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल प्लांट्स। इनके बारे में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया। ओके, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, राइट? और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेटरोट्रॉफ्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड कुछ प्लांट्स भी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफ्स की, कि कैसे वो अपना खाना खाते हैं, कैसे उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं और कैसे उस खाने से एनर्जी लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन में बेसिकली जो तीन चीजें हमको पढ़नी है वो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। क्यों एनिमल्स के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खाते हैं, राइट? एंड देन कैसे वो खाना डाइजेस्ट होता है और उसकी यूटिलाइजेशन करती है हमारी बॉडी, ठीक है? तो चलिए एक एक करके हम सारी चीजें अच्छी तरह से समझेंगे, बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स की। हम सब ये बात जानते हैं दैट फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? इसीलिए एनिमल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए अपनी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए, जैसे ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एट्सेट्रा, राइट? लाइक अस, हमें भी न्यूट्रिशन इसीलिए चाहिए, एंड ऑल्सो अपनी बॉडी के कुछ वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे डाइजेशन, ब्रीदिंग एट्सेट्रा, राइट? और एनिमल्स अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो ये तो हमें पता चल गया दैट इन सारी चीजों के लिए एनिमल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किस तरह से अलग अलग तरह से खाना खाया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ओके, ये जो प्रोसेस है द इनटेक ऑफ फूड, इसे हम कहते हैं इंजेशन, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपना खाना अलग अलग तरह से खाते हैं। दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके हैं खाना खाने के, जैसे चूइंग एंड स्वेलोइंग, स्वेलोइंग, सकिंग, ब्रूइंग, स्क्रैपिंग एट्सेट्रा। चलिए इन मोड्स के बारे में हम अब देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। हम सबको पता है हम कैसे खाना खाते हैं। हम खाने को च्यू करते हैं एंड स्वेलो करते हैं, खाने को पहले चबाते हैं और उसके बाद निगल जाते हैं, राइट? सिमिलरली आपने स्नेक्स को देखा होगा कि वो अपने खाने को, अपने प्रे को, जैसे यहाँ पे स्नेक इस फ्रॉग को खा रहा है, वो अपने खाने को डायरेक्टली निगल जाते हैं, वो च्यू नहीं करते, चबाते नहीं है। सो स्नेक्स का मोड ऑफ टेकिंग फूड हो गया स्वेलोइंग, राइट? ये दोनों समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सकिंग की। तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो वो दूध को सक करता है, उसके पास दांत नहीं होते कि वो खाने को च्यू करे और स्वॉलो कर जाए, वो सिर्फ मिल्क को सक करता है। ओके, सिमिलरली एनिमल्स के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, राइट? ये कैट देखिए यहाँ पे। इसी तरह से बीज, हमिंग बर्ड्स, मस्किटो यानी मच्छर और लाइस जैसे कि जू, जो हमारे सिरों में होती है, सिर में होती है, वो भी अपने खाने को सक करके खाती है, ठीक है? तो ये था सकिंग मोड ऑफ टेकिंग फूड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्क्रैपिंग की। एंट्स, चींटियां अपना खाना स्क्रैप करके खाती हैं। स्क्रैप करना इज लाइक, जैसे आप अपने नेल से किसी चीज को स्क्रैच करते हैं, राइट? उस तरह से किसी चीज को स्क्रैच करना इज लाइक स्क्रैपिंग द फूड। वो उस तरह से स्क्रैप करके अपना फूड खाती हैं। सिमिलरली, अगर हम बात करें कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की, तो वो अपने फूड पार्टिकल्स को पानी में से फिल्टर करके खा लेते हैं। पानी में से अपने फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करेंगे और खा लेंगे। दिस इज हाउ दे टेक देयर फूड। ओके, ये समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, स्टारफिश कैसे अपना खाना खाती है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो स्टारफिश उन एनिमल्स पे फीड करती है जो कवर्ड होते हैं हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पे। तो जब भी स्टारफिश अपना खाना देखती है, तो वो अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर निकालती है और उस एनिमल को डाइजेस्ट कर लेती है, और बाद में उसका स्टमक उसकी बॉडी में वापस चला जाता है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? चलिए, स्टारफिश का भी हमने देख लिया कि कैसे खाना खाती है। सो ये हमारे पास लिस्ट है कुछ एनिमल्स की कि वो क्या-क्या, किस-किस तरह का खाना खाते हैं और क्या उनका मोड ऑफ ईटिंग है, लाइक चूइंग है, स्वॉलोइंग है, सकिंग है, ब्रूइंग है। सो ये लिस्ट आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर, आपको थोड़ा सा याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमने ये बात तो कर ली कि किस किस तरह से खाना खाया जाता है। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात जो हमें करनी है वो है डाइजेशन के बारे में, कि किस तरह से खाना डाइजेस्ट होता है बॉडी में, राइट? सो डाइजेशन है क्या एक्चुअली? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया, बट अब ये समझिए कि डाइजेशन की क्यों जाती है, क्यों कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो एज सच हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, दे आर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो पहले डाइजेशन के द्वारा उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाएगा जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। ओके, इसीलिए डाइजेशन की जाती है फूड की। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि डाइजेशन के एंड में ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल शुगर्स में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे एमिनो एसिड्स में, और जो फैट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में। और ये सारी चीजें, ये सिंपलर सब्सटेंसेस हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और इनसे हमारी बॉडी डिराइव करेगी एनर्जी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स और अमीबा की डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, राइट? तो हम एक एक करके इनकी डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की डाइजेशन के बारे में, कि ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर रिस्पॉन्सिबल हैं फूड की डाइजेशन के लिए, और इस सिस्टम को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, तो उसके बाद वो खाना एक कॉन्टिन्यूस कैनाल से होके जाता है जो शुरू होती है हमारे मुंह से, हमारे माउथ से, और एंड होती है एनिस में। इस डायग्राम को देखिए। जब भी हम खाना खाते हैं, तो वो हमारे मुंह से शुरू होकर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाकर यहां एंड हो जाता है एनिस में। ओके, तो इसको कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली जैसे जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जाते हैं, वैसे डाइजेस्ट होते जाते हैं, ठीक है? और इस एलिमेंट्री कैनाल को कैनाल
के जो डिफरेंट वेरियस कंपार्टमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है बकल कैविटी यानी माउथ, उसके बाद फूड पाइप और ओएसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम और फिर एनस, एंड दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम ये कहना चाहते हैं कि फूड एलिमेंट्री कैनाल में इस तरह से अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जाता है। पहले जाता है बकल कैविटी में, फिर फूड पाइप में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एंड फाइनली एनस में। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, तो हमने फूड खाया, उसके बाद हमारे माउथ से फूड जाएगा ओएसोफेगस में, राइट, दिस इज ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के बाद फूड जाएगा स्टमक में, ये हमारा स्टमक है। यहां से देखिए, स्टमक के बाद फूड यहां से होते हुए जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ग्रीन कलर्ड, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू एंड में अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और बात देखते हैं, माउथ से जाएगा ओएसोफेगस में, ओएसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये तो थी एलिमेंट्री कैनाल। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, लिवर, पैनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये तीनों डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जिससे डाइजेशन में हेल्प होती है। तो ये तीनों भी देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, लिवर ये है दिस रेड कलर्ड, और पैनक्रियास जो है वो स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है, यहां ये जो है ये है हमारा पैनक्रियास। आगे के डायग्राम्स में आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो हमने बात कर ली एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, और हम कह रहे हैं कि टुगेदर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में इन ह्यूमन बॉडी। चलिए अब हम एक एक करके अलग अलग कंपार्टमेंट्स के बारे में देखेंगे कि किस किस कंपार्टमेंट में कैसे कैसे डाइजेशन होती है। ओके, सो अब हम देखेंगे व्हाट हैपेंस टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट कंपार्टमेंट, दैट इज माउथ एंड बकल कैविटी से, जिसमें है टीथ, हमारी टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। सो हम मुंह से अपना खाना खाते हैं, राइट, एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को कहा जाता है इंजेशन। अब इन तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। जैसे टीथ क्या करते हैं, टीथ हमारे फूड को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट, हम अपने खाने को टीथ से चबाते हैं और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं मुंह में, वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और इस सलाइवा से क्या होता है, हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को ये शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। दैट मींस हमारे फूड की डाइजेशन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है, यहीं पर सलाइवा स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू कर देता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जिसमें आपको दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है एक टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, राइट, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालना है एक टीस्पून ऑफ च्यूड राइस, जिसको आपने थोड़ा सा देर तक चबाया हुआ हो उसको इस टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 5 ml पानी डाल दीजिए, और उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की डालिए। रिमेंबर हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। तो जब आप अपने रिजल्ट देखेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब जिसमें सिर्फ बॉइल्ड राइस था उसमें ब्लू ब्लैक कलर शो हो जाएगा, यानी इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, राइट, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है हम सबको पता है,
बट ये जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब थी जिसमें आपने चावल को चबा कर डाला था, उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, नो ब्लू ब्लैक कलर फॉर्मेशन आयोडीन टेस्ट से। इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं है। स्टार्च कहाँ गया? जब आपने चावल को चबाया, मुंह में रखा, तो आपके सलाइवा ने स्टार्च का ब्रेक डाउन कर दिया और स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए चबाए हुए चावल में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, राइट? सो इससे प्रूव होता है कि स्टार्च का ब्रेक डाउन मुंह में ही शुरू हो जाता है, जिसे करता है हमारा सलाइवा। अब देखते हैं हमारी टंग क्या करती है। सो टंग इस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है और हमें हेल्प करती है फूड को स्वॉलो करने में, फूड को निगलने में, ठीक है? तो ये तीनों चीजें हमने देख ली कि टीथ क्या करते हैं, टंग क्या करती है और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं। और हमें ये भी पता चल गया कि हमारा फूड जो है उसकी डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो गई, स्टार्च की ब्रेकडाउन शुरू हो गई। तो अब जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो चुका है, ये हमारे मुंह से जाएगा ओइसोफेगस में। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे मुंह से हमारा खाना अब जाएगा इस फूड पाइप में या ओइसोफेगस में। गाइस, इसके साथ खत्म हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों पार्ट्स को अच्छे से देखिए, तभी आपका चैप्टर थॉरली कवर हो पाएगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगी। वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो कीप वॉचिंग एजुकेटिंग यंग माइंड्स। थैंक यू।